ग्रुप को समझा रहे होंगे, वेट कर लेते हैं। नहीं 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 तो लाइन माइलर लगते हैं यहाँ पर, और आगे हमारे यहाँ से हमारा पीसी भी इनपुट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे से यहाँ से पीसी भी आता है, पीसी भी आता है, तो किसी भी जिन होने यहाँ पे ओके, यहाँ से पीसी भी का इनपुट हो रहा है, यहाँ से स्कैन हो रहा है, ये हमारा एमईएस में चढ़ रहा है। ऐसे नंबर जो होता है, ऐसे नंबर निकलता है प्रिंटर से, तो ये पीसी भी के साथ लगा के यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर लगा यहाँ मिल गया, और यहाँ पर ये कैमरा है, कैमरा लगा रहे हैं, कैमरे के पीछे माइलर लगा के ये कैमरा पीसीबी पे वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छा, और इधर बाकी दो कैमरे जो हैं, फ्रंट कैमरा और बाकी दूसरा कैमरा है, वो कैमरा बाकी एक कैमरा यहाँ पर, रियर कैमरा एक यहाँ पर हो रहा है, बाकी एक यहाँ पर हो रहा है और एक फ्रंट कैमरा यहाँ पर हो रहा है। ब्लू कर देते हैं, ब्लू लग रहा है ताकि ये टी पी पे चिपक जाए, टी पी पे चिपक जाए, इसलिए हम ब्लू मशीन का यूज़ करते हैं। आगे ये जाता है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा ये होती है आरएफ केबल होती है, आरएफ केबल पीछे में लगती है, और सेंसर एक होता है, सेंसर होता है इसकी रबड़ जो लगती है वो यहाँ पर लगती है। वाईफाई वगैरह के लिए यही है, ये वाईफाई, हाँ, ये केबल बहुत एंटीना वाईफाई के लिए, आरएफ केबल। फिर आगे जाके यहाँ पे आके टीपी पे एक अंदर फ्रंट कैमरा के लिए रबड़ होती है, वो यहाँ पर रबड़। अच्छा, हाँ रबड़ सपोर्ट के लिए, हाँ कैमरा के सपोर्ट के लिए, हाँ ये होता है हमारा डस्ट के लिए। अच्छा, क्लीन रूम कहते हैं इसको, इसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं। सांस कहाँ से ले रहे हैं, हवा कहाँ से ले रहे हैं? नहीं, हवा के लिए तो बहुत ओके है। अच्छा, पर ह्यूमिडिटी करने के लिए यहाँ पर ओके है, ताकि डस्ट ना इसके अंदर। यहाँ पर फिर जो पीसीबी है वो टीपी पे चिपका दे रहे हैं इधर आगे, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी चेक कर रहे हैं ताकि फ्रंट कैमरा में डस्ट ना आए। डस्ट ना आए, मैग्नीफाइंग ग्लास से इससे चेक कर लेते हैं। ये मैग्नीफाइंग इसलिए लगाया गया, मैग्नीफाइंग इसलिए लगाया ताकि डस्ट चेक कर, थोड़ा सा भी होगा पार्टिकल तो रुक ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पीसीबी और टीपी पे जोड़ने के लिए स्क्रू करते हैं, और चलते पीसीबी पे फोल्डर था जहाँ पे इनपुट हुआ था, फोल्डर को फिक्स कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं और बाई स्क्रीन से फिक्स कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक माइलर लगा रहे हैं। यहाँ वाइब्रेटर पे इशू हो रही है, यहाँ पर वाइब्रेटर कैसा होता है, ये मोटर होता है ना, ये जो वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है जो मोबाइल को वाइब्रेट करता है, साइलेंट मोड में, साइलेंट मोड। अच्छा, ये वाइब्रेट, किसी भी मॉडल आ रहा है सब पे वाइब्रेटर होता है या किसी पे नहीं भी रहता है? नहीं, सब पे रहता है, सभी में वाइब्रेट इसकी वजह से करते हैं। उसके आगे जाके यहाँ पर हमारी सब पीसीबी जो होती है, जो जिसमें चार्जिंग जैक, हेडफोन जैक वगैरह लगते हैं, वो ही हमारी यहाँ पर लगती है। ये पीसीबी, ये सब पीसीबी को खोल के देखा, पैकिंग में जाती है तो होता है, उसमें एक स्क्रू सी लगाते हैं, और ये रबड़ वगैरह होती है वो सब पीसीबी पे, और यहाँ पर ये लगाते हैं, वो वाटर लेवल लगाते हैं, ताकि पानी अगर कभी पानी गोली पड़ता है तो ये लाल लगाता है। अलग अलग मॉडल बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक ही मॉडल का, यहाँ पर एक ही मॉडल काउंटर, एक ही मॉडल का है पूरा, एक मॉडल का है, एक मॉडल का है।
जब भी एक ही मॉडल बनेगा यहाँ एक्स 650 सी है पूरी लाइन। यहाँ पर वाटर लेवल लग रहा है ऊपर वाली पी सी बी भी और नीचे वाली सब पी सी बी भी, ताकि अगर पानी में जाए तो पता लग जाए कि हाँ पानी में गया था कस्टमर से। हाँ वो स्टिकर, हाँ स्टिकर वो वाला, वो वाला सर्विस सेंटर रेड हो जाता है, रेड हो जाता है, सर्विस सेंटर वाले पकड़ लेते हैं पानी में गया है। और यहाँ पर सब पी सी बी फिक्स हो रही है, लेवल लगा रहे हैं। आगे हमारा ये जो आर एफ जो आगे लग रही थी तो हम पी सी बी है उससे कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी राउटिंग कर रहे हैं, उसको एक राउट कर रहे हैं ताकि निकले ना हुए हमने उसको राउट कर दिया। जो कनेक्ट करती है वही ये बी टी वी करती है, वही यहाँ फिक्स हो रहा है मेन पी सी बी और सब पी सी बी जो कनेक्ट करती है। समझ गया, ये इसका क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम है सबको बी टी वी है जो होती है कनेक्टर कनेक्ट करा माइलर होता है माइलर, ताकि इस पर अगर कोई मतलब इंसुलेटर पीस जो भी बैक कवर वगैरह लगता है कोई मतलब कंडक्टिव वो ना हो, यहाँ पर इंसुलेटेड माइलर लगता है इंसुलेशन प्रदान करते हैं। हाँ और ये ग्राउंडिंग, हाँ हाँ ये ग्राउंडिंग इंसुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि कोई अगर लगा रही है ये फॉर्म नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि बैटरी के ऊपर बैटरी चिपके। ये हमारा ब्लू टाइप का रहता है ये माइलर, तो इसको हम पेस्ट करते हैं, इसके ऊपर बैटरी चिपक जाती है। अगर इसको निकाल देंगे तो इसके ऊपर चिपचिपा रहता है, इसके ऊपर बैटरी पेस्ट करेंगे तो बैटरी चिपक जाएगी। बैटरी आगे जाके लग रही, कहाँ पे लग रही है बैटरी, हाँ? बैटरी कहाँ पे लग रही आगे लग रही है, आगे लग रही है। और यहाँ जो टीवी और जो मेन टीवी है उसका भी कनेक्ट हो रहा है, जो कनेक्ट हो जा रही है टीवी जो मेन टीवी है डायरेक्ट कनेक्ट जो हो रही है यहाँ पर भी हो रही है। आगे हम ये करंट टाइप है, यहाँ क्या हो रहा है करंट सिस्टम का क्या करा जा रहा है देखते हैं कि क्या बोलते हैं सारा बी टी वी वगैरह अभी तक की असेंबली है वो यहाँ चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कोई पार्ट लूज है या कुछ भी कनेक्टर लूज है वो यहाँ ये पकड़ के बता देगा, उसका रिजेक्शन वहाँ उतर जाएगा, ये हमारी कनेक्टिविटी को चेक करता है सारे पार्ट लगे नहीं लगे कोई भी एक रिएक्शन होगा वो वहीं उतर जाएगा। सारे कंपोनेंट्स में करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं लगे नहीं लगे प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसकी करंट टेस्टिंग कर रहे हैं कि सभी कंपोनेंट्स में करंट सही से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब जो हमने कनेक्टिविटी करी है वो लूज लूज है ऐसा तो नहीं कहीं करंट पहुंच नहीं रहा हो
बैटरी लगाने के बाद होगा तो ये सिस्टम फेल करेगा। एक्सरे दस्तों बैटरी लगाने के बाद ताकि आगे जाके बैटरी अगर लगे तो सामने करंट पहुंच जाएगा। मतलब हां है ऐसे बैटरी भी यूज कर सकते हैं पर यहां पर चला दिए। हां ये बैटरी पे पिन पिन इसके करंट दे रहे हैं। यहां पर हमारा एक पेस्ट हो रहा है दूसरा माइलर जो बैटरी को चिपकाएगा और जो आगे पेस्ट हो रहा था उसका भी निकाल रहे हैं। यहां पर ऊपर का पेस्ट होता है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमारी बैटरी पेस्ट हो रही है। बैटरी पेस्ट हो के यहाँ पर प्रेसिंग मशीन पे प्रेस हो रही है ताकि ढंग से फिक्स हो जाए हमारी बैटरी। ये जो चिपका रहे हैं माइलर उससे अच्छा ये बैटरी के लिए है। हाँ ये बैटरी के लिए है माइलर। यहाँ पर फिक्स हो जाती है प्रेसिंग मशीन में डालती है। ये गम जो है बैटरी को सब ठीक है। आगे हमारे यहाँ पर अपर केस ब्रैकेट जो होता है अपर केस ब्रैकेट जो मेन पीसीबी को ढकता है मेन पीसीबी को जो ढक रहा है वो लग रहा है सेफ्टी केस वो लग रहा है। और एक ये छोटा सा ये माइलर लग रहा है ये फिंगरप्रिंट जो होता है उसको सपोर्ट देने के लिए जो ये है छोटा सा ये लग रहा है इसको सपोर्ट देने के लिए ये अपर केस ब्रैकेट है ये मेन पीसीबी को ढक देगा। और ये यहाँ पर फ्यू हो जाता है इसके बाद जो ये फिक्स हो जाएगा आगे जो जा रहा है टाइम पे इनको करना चाहिए ना। अगर टाइम पे नहीं कर पाए तो आगे बढ़ता जाएगा नहीं तो ये आपको ये उठा के रख देंगे वो तो फिर ऊपर रख ये अगर इसका काम सही नहीं हो रहा है तो ये आगे उठा के ऊपर रख देगा कि तुम्हारा काम सही नहीं हो रहा है इसको दोबारा करके ये सही फॉलो करेंगे। कवर ड्रेस में येलो है उधर नहीं येलो क्वालिटी में है। अच्छा वाइट प्रोडक्शन में है। अच्छा। और ये जो है ये ई एम में है और हमारा ड्रेस है आपका विजेटर विजेटर हम ग्रीन विजेटर ग्रीन विजेटर हम तो ये हमारा दूसरा क्लीन रूम है। अच्छा। यहाँ पर हमारा जो दूसरे कैमरे की पॉली डेको अच्छा बैक कैमरे में देखा होगा आपने बैक कैमरे में लगता होगा ये। यहाँ पर ये वाला बंदा है जो इस पे लेंस पेस्ट कर रहे हैं फुल कैमरा है ये फैंटम 9 है तो हाँ जी फैंटम 9 हाँ मतलब इसके जैसे ही है। ये इसके ऊपर लेंस पेस्ट कर रहा है एक लेंस होता है लेंस प्रेस यहाँ पर प्रेसिंग हो रही है लेंस बाकी फिक्स बैठ गया। और आगे ये बंदा कैमरे की जो पॉली होती है उनको हटा के ये उसके ऊपर में रख के फिक्स कर रहा है। ये डस्ट के लिए है ताकि कैमरों पे लेंस के ऊपर कैमरे के ऊपर हमारे डस्ट ना हो ताकि हमारा अगर डस्ट होगा तो फिर हम फोटो खींचेंगे तो साफ नहीं आएगा साफ नहीं है इसलिए हम क्लीन रूम है। यहाँ पर ये फिक्स बन जा रहा है और उधर की तरफ वो जो डेको लेंस है उससे स्क्रू हो रहा है ताकि हमारा यहाँ पर इसलिए नहीं दिया इसको स्क्रू स्क्रीन के ताकि वहाँ पर हमारा कैमरा एनजी ना हो जाए कैमरा स्टार्ट ना टूट सकता है तो इसलिए हमने डेको के लिए वहाँ पर अलग से एक मैनुअली स्क्रू करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये ऑटोमेटिक स्क्रू हो रहा है यहाँ ऑटोमेटिक हाँ सारे स्क्रू यहाँ पर लग जाएंगे हमारे यानी हमारे यहाँ पर डिवाइस पूरा रोड है पूरा बन गया है हम इसके बाद पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो लगता है जो फिंगरप्रिंट सेंस करता है बाकी स्क्रू के लिए तो ताकि कोई कस्टमर ने खुलवाया है ना खुलवाया स्क्रू फिर से वो पता लग जाता है। और आगे हमारे यहाँ पर पाल पाल हो रहा है जो हमारा जो पीसीबी है बैटरी की वारंटी होती है ना उसके साथ तो उसको स्कैन करने के लिए एक क्यूआर कोड होता है क्यूआर कोड जनरेट करता है वो हमारा पीछे फोन के पीछे लगता है ताकि ये बैटरी की वारंटी के लिए हो फोन के साथ बैटरी की वारंटी यहाँ
पे बैक कवर लग गया और उसके बाद हमारे बैक कवर फिक्स हो गए। ये वाला बैक कवर फिक्स हो गया हमारा और उससे प्रेसिंग मशीन से प्रेस हो गया पूरा। यहाँ मैनुअल है, यहाँ वाले से गैप वगैरह जो रह जाता है वो सारा मशीन गैप वगैरह पूरा पूरा प्रेस कर देती है, मतलब एक भी गैप नहीं रहता नहीं रहे। और उसके बाद ये वाला है, ये ऊपर के आगे की जितनी भी डेको वगैरह रहती है, फिंगरप्रिंट रहता है, उसको प्रेस करते हैं पीछे से। इधर पीछे से बैक और फिक्स हो जाता है और इधर पीछे से जो ऊपर का डेको होता है और फिंगरप्रिंट जो होता है वो फिक्स हो जाता है बैक और के साथ। ये है हो जाएगा कुछ ढीला तो नहीं है, अगर ढीला होगा तो बंद हो जाएगा। जोर से क्यों फेंक रहे हैं? तो अगर कोई पार्ट वगैरह ढीला होगा तो वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ के बाद टेस्टिंग स्टार्ट होती है। अच्छा ये अच्छा अच्छा दो टाइप की टेस्टिंग है, पहले यहाँ टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग का पार्ट टेस्टिंग कैमरा कल यहाँ नहीं चल रहा है, कलर तो नहीं है, जूम वगैरह कलर वगैरह आप सीधे नेपाल पहुँच रहे हो अभी, प्यार से सर ये डिवाइस यहाँ से उठाएगा, यहाँ से कवर लगा के सिम लगा सिम ट्रे लगाएगा, सिम और एचडी कार्ड ये इसको दे देगा, वो वहाँ बंदा स्पीक करेगा, स्पीक करके ये बंदा कॉलिंग करेगा, फोन हो जाएगी स्पीक के बाद ये फिर कॉलिंग करेगा। जैसे यहाँ पे बबल जो आया ये यहाँ पे कैमरा टेस्ट हो रहा है, ये बंदा यहाँ कॉलिंग करके कॉलिंग हो रही है नहीं हो रही इसको दे देगा, कैमरा करेगा। अच्छा ये कॉलिंग चेक कर रहे हैं, ये कॉलिंग चेक कॉलिंग टेस्ट यहाँ पे एचडी कार्ड सिम बात करके चेक कर रहे हैं। बॉलिंग में दोनों तरफ सिम डाल के आप ये करते हैं, ऑनलाइन ये डायल करता है माइक स्पीकर रिसीवर जो भी सुनता है, और उसके बाद में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, बढ़िया बात तो नहीं है, वो सुन रहा है। आप क्या कर रहे हैं भाई? वेलकम बोर्ड वेलकम बोर्ड पे लगा आप कैमरा चेक कर रहे हैं, कैमरा वाइट फोन से पिलर तो नहीं है, वाइट डॉट ब्लैक डॉट तो नहीं है, पिलर रहता है या कुछ डस्ट पार्टिकल आ गया तो वो यहाँ पे चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड है अपने एसओपी के अकॉर्डिंग, वही चेक करते हैं, ब्लर कुछ भी हो सकता है इसमें, गेट ब्लॉक है, सेल्फी भी, हाँ सब चीज चेक, रूम पर भी देखना है। अच्छा इनके चेक पॉइंट है अपने, क्वालिटी के स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, देखिए सेंसर भी चेक हो रहा है, ब्लैक टेस्टिंग पोर्ट जो आई टेस्टिंग होगी उससे स्टार हैच 87 हैच उससे हमारी वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन चेक होगा यहाँ पे, उसके बाद में एलसीडी कलर इसमें वाइट डॉट ब्लैक डॉट या फिर स्क्रैच वगैरह लाइनिंग वगैरह जो भी है सब कलर में चेक होगा। ब्लैक मिक्स भी कर रहे हैं ताकि थोड़ा दूर चली जाए, मेरे में सही चमके कलर में कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, कलर चेक कर रहे हैं तब अंदर रखा गया, इसमें सही चमक जाएगा इसलिए। एक की है ई प्रेस करके देख रहे हैं कि सब वर्क सही चल रही है, हार्ड तो नहीं है, सारे मैनुअल टेस्ट नहीं है, मतलब एक जो आगे करंट टेस्ट था उसने कनेक्टिविटी चेक करी, इन लोगों ने मैनुअल करके देखा, ठीक है वो मशीन है हम मैनुअली हम चेक करके देखें, जितने भी जो भी ऐप जो भी यूज़ करते हैं वो सारे इसमें हम चेक कर देंगे, इसमें मोड ले जाएंगे उसको मिल जाएगा फोन में और सारा चेक कर देंगे सारे बटन सिक्स है सॉफ्टवेयर
बटन चेक होगा, उसके बाद सब कुछ यहाँ पे आएगी। की करने के बाद में माइक, माइक हेलो हेलो बोलेगा, माइक टेस्टिंग। सुन कौन रहा है? यही कर रहा है। अच्छा वही कर रहा है, वही सुन रहा है। वो नहीं, उसका अलग। अच्छा अच्छा करके दे देगा अलग है। ठीक है, बाद में माइक हेलो हेलो बोलेगा, माइक करेगा, उसके बाद में स्पीकर, कैमरा, वाइब्रेट, रिसीवर। अच्छा अभी तक सही चल रहा है, सब सही आ रहा है। वाइब्रेट को छोड़ देगा सर, ये वाइब्रेट के बाद टच। अच्छा ये टच है यार, स्क्रीन चेक करके देख रहे हैं हर तरीके से, फिंगर से टच करके कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है स्क्रीन में। अच्छा अच्छा सेंटीमीटर के हिसाब से करते हो? यस, उसमें ऑलरेडी पैरामीटर देखते हो। अच्छा ये आपके यहाँ से 5 सेंटीमीटर है और ये आपको 2 सेंटीमीटर है, ये देखिए मैपिंग दिया वहाँ पूरा लगाया गया है। अपने स्टैंडर्ड है एसओपी भी जो दिए गए हैं मॉडल वाइज, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ चेक कर किस मॉडल में क्या है स्टैंडर्ड है हमारा, उसके सेंटीमीटर ना पर चेक करने ये भाई साहब क्या चेक कर रहे हैं? कैमरा कैलिब्रेशन। अच्छा कैमरा का कैलिब्रेशन चेक बता रहा हूँ। हर एक कोई हर मोबाइल का अलग स्टैंडर्ड है, अकॉर्डिंग वो आपका इसमें वो नहीं करेगा ना, डिस्टेंस उससे उससे ज़्यादा हुआ या उससे कुछ अलग हुआ तो कैमरा फेल करेगा। अच्छा कैमरा एक ही मॉडल की चल रही है, एक लाइन पे एक मॉडल टोटल हमारे करीब 50+ मॉडल होंगे टोटल। अभी हमारे टोटल में नहीं चल रहे हैं मॉडल की, दो लाइन चल रही है। अच्छा अच्छा ये ऑडियो मशीन है। अच्छा सर जाओ अगर सर जो चीज मैनुअली हमारी स्किप हो चुकी है वो हम यहाँ सिस्टम से पकड़ लेंगे, वो खुद ही बताया गया, हमें सुनना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, देखिए स्पीकर पास हो गया, देखते रहिए, रिसीवर फेल है, देखो इसको ये चेक कर लेगा, लेकिन ये वहाँ इसके बगैर में भी हो गया होगा तो ये यहाँ पकड़ लेगा 100%। ये देखिए इसमें से 5 टेस्ट हैं, 5 में से एक फेल है, इसको रोक लेगा फिर ये रिफिल हो जाएगा। अच्छा फिर जाके फिर से जहाँ से फेल है वहाँ चलेगा, वही चलेगा। ये देखिए इसमें ये पास हो गए सारे 5 टेस्ट पास हैं, स्पीकर, रिसीवर, प्राइमरी माइक, अच्छा रिसीवर।